5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, जरा ये जान लीजिए आप विस्तार से। 5 चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारियों का ऐलान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, ये धर्मेंद्र प्रधान की टीम का हिस्सा यूपी में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पंजाब के प्रभारी होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और गुजरात से बीजेपी सांसद विनोद चावड़ा को पंजाब में सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मणिपुर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा में बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनावी राज्यों में बीजेपी की नैया पार लगाने की। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी पर। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, अच्छा ये देखिए आप जरा, उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं। यूपी जिताने की जिम्मेदारी प्रभारी धर्मेंद्र यादव हैं और इनकी टीम का हिस्सा मतलब सह प्रभारी अनुराग ठाकुर हैं, सरोज पांडे हैं और अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो ये यूपी की टीम है बीजेपी की, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में कमल खिले। यूपी जिताने की जिम्मेदारी जिन चेहरों पर है, ये वो 4 चेहरे इस वक्त आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम का हिस्सा अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी चुनावी राज्यों के लिए टीम का ऐलान, जिसमें दूसरे नंबर पर पंजाब की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहां प्रभार गजेंद्र शेखावत को दिया गया है और इस टीम का हिस्सा बनाया गया है हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा को। तो ये पंजाब के लिए टीम बीजेपी, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब में बीजेपी को बढ़त दिलाने की। अच्छा जरा ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालिए। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, 2014 बिहार लोकसभा में जीत का सहरा एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के सिर बंधा था, क्योंकि इन्हीं के पास जिम्मेदारी थी प्रभारी के तौर पर बिहार की। और 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी प्रभार धर्मेंद्र प्रधान के पास था, लेकिन उसमें कमाल कर नहीं पाए थे देवेंद्र फडणवीस। 2020 बिहार जीत का सहरा इनके सिर बन चुका है प्रहलाद जोशी। 2021 केरल का जिम्मा मिला था भूपेंद्र यादव। 2020 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी के चुनाव की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी मिली थी, इसमें बीजेपी की सीटें 4 से 48 पहुंच गई थी। और अब मणिपुर का जिम्मा भूपेंद्र यादव को दिया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, लखनऊ से पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, और सुल्तानपुर जहां असदुद्दीन ओवैसी की रैली है वहां से रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विकास के पास और जरा जानते हैं विकास से कि ये चेहरे जो चुने गए हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी, खासतौर से उत्तर प्रदेश से अगर हम शुरुआत करें तो उत्तर प्रदेश के लिए ये टीम बीजेपी कैसे पार्टी को मजबूती देगी। विकास ये देखिए, टीम कोई भी हो, रणनीति जो होती है वो विजय दिलाती है किसी भी पार्टी को। और देखिए ये जो टीम नियुक्त की गई है ये बड़े रणनीतिकारों में से गिने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान लगातार बिहार की 2 जीतों के वो रचनाकार रहे हैं, जहाँ भी उनको भेजा गया कुछ ना कुछ उन्होंने कमाल किया। मध्य प्रदेश का पिछला चुनाव अगर देख लें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर हारे हैं, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान की माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें उनकी महारत है। और देखिए उनके साथ जो सह प्रभारी लगाए गए हैं वो अलग अलग वर्ग से आते हैं, उनमें जाट भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें OBC चेहरा भी हैं, उसमें ठाकुर चेहरा भी हैं, तो और इसके अलावा अनुसूचित जाति के चेहरे भी हैं। तो इन सभी चेहरों को मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक रणनीति बनाई जाएगी। और ये जो प्रभारी और सह प्रभारी होंगे ये अपने नीचे ज़िलों में विधानसभा में प्रभारी नियुक्त करेंगे, उसके बाद ये जो प्रभार है ये बूथ लेवल तक जाएगा। और इसी को माइक्रो मैनेजमेंट को एक्टिवेट करने के लिए अभी से प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, ताकि आप अपने चुने हुए सिपह सलारों को उन विधानसभा क्षेत्रों में जो ज़्यादा क्रूशियल हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील हैं या फिर जो जिताऊ हैं, जो लगातार कई सालों से जीतते आ रहे हैं, उनके वर्गीकरण के हिसाब से अपने सिपा सलारों को नीचे बूथ तक लगाया जा सके और जीत की इबारत को लिखा जा सके। देखिए उत्तर प्रदेश
बहुत अहम राज्य है। सबसे ज़्यादा पिछले 30 साल में अगर वहाँ सीटें जीती तो बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। इस जीत को दोहराने की एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि कंधों पर जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की डाली गई है, लेकिन नेतृत्व के ऊपर भी उतना ही दबाव है कि इस जीत को दोहराया जाए, क्योंकि यहाँ की जीत से जो लहर उठेगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगी। आपने बड़ी बात की है, और इसी वजह से नेतृत्व की जो आपने बात की है ना कि साहब नीचे तक के जो जमीनी कार्यकर्ता है उस तक जो रणनीति है वो पहुंचे और वो उसी अनुरूप काम करे, इसकी जिम्मेदारी तो इन प्रभारियों के कंधों पर होगी, और साथ ही जो नेतृत्व के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है उसी का हिस्सा हम देख रहे हैं रणनीति का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर वो पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे पंकज झा, और वहां से एक तरीके से औपचारिक तौर पर यूपी चुनाव का बिगुल बीजेपी की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो रणनीति है ना वो मैं आपको ये समझाऊं कि एक तरीके से कि धर्म कर्म और जाति का मर्म, धर्म मतलब हिंदुत्व तो समझ लीजिए, और कर्म जो मैं कह रहा हूँ वो है कि विकास की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास वाली बात। एक तरीके से कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यूपी में जिनको धीरे धीरे करके उनका शिलान्यास उनका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड की दूसरी लहर को के चलते वो आ नहीं पा रहे थे, अब उन सभी जगहों पर जाएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, अपनी बात बताएंगे, तो एक तरीके से चुनावी माहौल बनने लगेगा। शुरुआत हो रही अलीगढ़ से जहाँ दो कार्यक्रम है, एक तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है और दूसरा डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करना है एक फेज का। विकास ने इसे कहा कि अयोध्या में दिवाली है, लगातार हफ्ते 10 दिन के बाद यूपी में उनके अलग अलग गोरखपुर बनारस अयोध्या ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे और माहौल बनता रहेगा बीजेपी के पक्ष में, ऐसा उनकी रणनीति है। तो बीजेपी की रणनीति आपने समेट दिया धर्म कर्म और जाति के मर्म में, लेकिन अगर धर्म की बात की जाए तो मेरे ख्याल से रणवीर के पास दर्शकों को जरा लेकर चलते हैं, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। धर्म की माला तो असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर जप रहे हैं उत्तर प्रदेश में रणवीर। देखिए जब से बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव होगा तो यहाँ पर सीधे सीधे लड़ाई जो है ना हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही है, और इसमें एक बड़ा नाम ओवैसी का है। ओवैसी जानते हैं कि वो यहाँ बहुत कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते, लेकिन वोट कटुआ बन करके वो कहीं ना कहीं सपा बसपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियाँ जो हैं उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, और इसी का डर विपक्ष को है। जितना ओवैसी मजबूत होंगे, जितना वोट वो मुसलमानों का काटेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा, और इसी वजह से उनको बी टीम कहा जाता है। ओवैसी 3 दिन के दौरे पर हैं, अयोध्या पहुंचे थे, आज सुल्तानपुर आएंगे और उसके बाद कल बाराबंकी में रहेंगे। तो ओवैसी का अपना जनाधार बढ़ाने की जो कोशिश है वो अपनी पार्टी की एक जमीन देश भर में तलाश रहे हैं। बिहार में 5 सीटें जीत के उन्होंने ये दिखा दिया था कि उनका प्रभाव है, लेकिन बंगाल में वो नहीं कर पाए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ सीटें जीत जाते हैं, उनको ठीक ठाक वोट परसेंटेज मिल जाता है, तो ये वो साबित करने में सफल हो जाएंगे कि मुसलमानों के देश में सबसे बड़े नेता वही हैं, और उनका जो प्रभाव है वो अगर उत्तर प्रदेश में दिखता है तो जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा, विपक्ष को नुकसान होगा। इसलिए ओवैसी का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है उसको और ज्यादा धार देने का एक कारण बन सकती है, और विपक्ष की परेशानी का एक सबब भी ओवैसी की मजबूती यहाँ पर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर सुल्तानपुर में ओवैसी की रैली भी आज, तो हलचल सियासी तौर पर लगातार बढ़ती हुई, और अभी तो और ज्यादा चुनावी धार तेज होती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। ABP News आपको रखे आगे।